ग्रीटिंग्स एवरीवन, हम देखने वाले हैं कि अगर आपको अपनी स्प्रेडशीट के अंदर किसी कॉलम को इंसर्ट करना है, मान लीजिए कि अगर आपने एक स्प्रेडशीट तैयार की है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी फिल इन करनी रह गई है, तो उसके लिए आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। सो अगर आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको सिंपली फर्स्ट एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको कौन से सेल को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए कि अगर आपको बी और सी ये दो कॉलम्स हैं, इसके बीच में आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, तो आपको सिंपली सी वाले जो कॉलम है इसके अंदर का कोई भी सेल अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए ये सेल मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है होम टैब में। होम में अगर आपने सेल्स ग्रुप टैब देखा तो यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इंसर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपको थर्ड नंबर का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, दैट इज इंसर्ट शीट कॉलम्स। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं कि बी और सी के बीच में, यानी कि बी के बाद एक नया कॉलम जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। सो आप सिंपली एक सेल को सिलेक्ट करके भी एक कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है कि अगर आपने इस कॉलम के किसी हेडिंग को ही सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि अगर आपको ई और एफ के बीच में एक कॉलम को इंसर्ट करना है तो आपने एफ पर क्लिक किया। जब भी आप एक कॉलम को इंसर्ट कर रहे हो तो आपके सिलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड पर आपका जो नया कॉलम है वो इंसर्ट होगा। सो ये जो मेरा एफ है इसके लेफ्ट हैंड साइड में मेरा जो नया कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने सिंपली इस पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अगेन आप इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट कॉलम्स को यूज कर सकते हो, या फिर सिंपली आप यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जब आप सिलेक्ट करते हो सो यू कैन सी कि यहाँ पर एक नया कॉलम जो है वो इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद अगेन हमारे पास एक शॉर्टकट की भी है। सो आपको एक शॉर्टकट की यूज करनी है, दैट इज कंट्रोल विद प्लस। सो अगर मुझे यहाँ पर एक मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सिंपली इस कॉलम हेडिंग को मैं सिलेक्ट कर लूंगी और उसके बाद मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल विद प्लस। सो यू कैन सी कि यहाँ पर एक नया कॉलम जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स एक साथ इंसर्ट करने हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको तीन कॉलम्स को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आपको सिर्फ तीन ये जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं इनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब क्या होगा, ये जो सिलेक्टेड कॉलम्स हैं इन्हीं की जगह पर नए तीन कॉलम्स इंसर्ट हो जाएंगे। सो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो सिलेक्शन करना है। सो यहाँ पर मैंने ये तीन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। अगेन मैं शॉर्टकट की यूज करूंगी, दैट इज कंट्रोल एंड प्लस। सो यू कैन सी कि इस तीनों की जगह पर ही मेरे नए तीन कॉलम्स जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं। सो ऐसे आपको अगर नए नए कॉलम्स को इंसर्ट करना है तो ये आपके अलग अलग तरीके हैं। इसके बाद अगर आपको कॉलम्स को डिलीट करना है तो वो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट आपको सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया और ये जो मेरा सी वाला कॉलम है इसे मुझे डिलीट करना है। सो मैंने इसीलिए सी के कॉलम के जो सेल है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सो इसके बाद मैं क्या करूंगी, होम टैब के अंदर, ये हमारा होम टैब है, इसके अंदर आपको सेल्स ग्रुप टैब में डिलीट के ऑप्शन मिल जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ये थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज डिलीट शीट कॉलम्स। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं वो जो हमारा कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास डिलीट करने के लिए और भी ऑप्शंस हैं कि अगर आपने यहाँ पर सिंपली इस कॉलम हेडिंग पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये डिलीट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, एंड यू कैन सी वो जो कॉलम था हमारा वो भी डिलीट हो चुका है। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ डिलीट करना है देन सिंपली यू हैव टू सिलेक्ट दोस कॉलम्स। ये दोनों कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और हमारे पास डिलीट करने के लिए भी शॉर्टकट की है, दैट इज कंट्रोल एंड माइनस। तो मैं यहाँ पर ये शॉर्टकट की यूज कर लूंगी, कंट्रोल विद माइनस। सो यू कैन सी कि वो जो हमारे दो ब्लैंक कॉलम्स थे वो दोनों के दोनों यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। सो दिस इज हाउ आप जो आपके कॉलम्स हैं उन्हें इंसर्ट कर सकते हो और उन्हें डिलीट भी कर सकते हो। उसके लिए आपके पास दो शॉर्टकट की है, इंसर्ट करने के लिए आपको यूज करना है कंट्रोल विद प्लस, एंड डिलीट करने के लिए आपको यूज करना है कंट्रोल विद माइनस।